नमस्ते विद्यार्थियों, मैं तारचंद सैनी, व्याख्या इतिहास। राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों की पहली क्लास ले रहे हैं विद्यार्थियों। अपना फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था, दो पुस्तकें पढ़ती, प्राचीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। इस बार विद्यार्थियों हम दो किताबें चलेंगे, एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये पहली पुस्तक रहेगा, और दूसरी है भारतीय सांस्कृतिक विरासत। ये दो पुस्तकें चलेंगी विद्यार्थी इस बार। फर्स्ट डे में प्राचीन भारत का इतिहास राजस्थान इतिहास पढ़ा था, इस बार मध्यकालीन भारत इतिहास है। आज मैं मतलब की पहली क्लास में करने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारत इतिहास। इस मध्यकालीन में आपको किताबें खरीदनी है, अगर आपको 20 सेकेंड के लिए चाहिए विद्यार्थी हो तो आप इसमें ले जाना शर्मा व्यास की, शर्मा जी और व्यास, शर्मा व्यास, शर्मा जी व्यास, इसलिए शर्मा व्यास की पुस्तक आती है शर्मा व्यास की। और अगर विद्यार्थी आपका कोई कमीशन क्रेक करना हो या आगे और इतिहास की रुचि और अगर अच्छी पढ़ाई करनी हो तो एक नई पुस्तक आई है, एक अपने नए हैं पप्पू सिंह प्रजापति, पप्पू सिंह प्रजापति विद्यार्थी बहुत ही अच्छी किताब है। इन्होंने मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा है और इसको ऐसा नहीं लिखा है, इनकी पुस्तक है तराइन से लेकर पानीपत तक, पानीपत तक। अगर विद्यार्थियों आपको कोई कंपटीशन क्रिएट करना हो या कुछ शिक्षा भी जाना हो, यूजीसी नेट वगैरह आरएस वगैरह, तो ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए। तो तराइन से लेकर पानीपत तक मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो पप्पू सिंह प्रजापति जी ने लिखी है, बहुत ही उमदा पुस्तक है। अगर आप लोग ला सकते हो तो इसको लाना। अगर 20 सेकेंड तक पढ़ना आपको सेकेंड या सेकेंड मिले तो आप शर्मा व्यास जी को लेके आना, और अगर आपको कम से क्रे करना या आगे और पढ़ना है तो शर्मा व्यास जी को लिए पप्पू सिंह प्रजापति को लेके आना। इन्होंने दो किताब निकाली, एक तो प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिए तराइन से लेकर पानीपत तक, तो आप प्राचीन भारत को पढ़ चुके हो, ये तराइन से लेकर पानीपत तक पढ़ना अच्छी पुस्तक विद्यार्थी हो। और सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेसबुक पर पप्पू सिंह प्रजापति का एक लाइव पेज लाइक करना, उसमें वो रोज नई नई जानकारी देते इतिहास के विषय में, वो बहुत ही अच्छे इतिहासकार है। तो विद्यार्थियों आज की अपनी पहली क्लास है, मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से लूँगा, और जो नीचे वाले ना भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये भी समय व्यर्थ की आते हैं, ये भी समय व्यर्थ की लेके आना। इसमें अधिकांश कोई आएंगे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, रामायण, महाभारत, वैदिक धर्म, ये सारा जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया लगभग वही आएगा, तो इसको अगर पुस्तक दे तो सुनता हूँ, नहीं आप फर्स्ट टाइम पढ़ लेते। मैं पढ़ा रहा आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास। इस मध्यकालीन भारत इतिहास में पहला पार्ट है भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, ये अपना पहला पार्ट है विद्यार्थियों। इसकी हमें प्रश्न, आज हमें इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं विद्यार्थियों कि अरब क्या है, तो लगभग मैं आपको मोटे मोटे आइडिया बता रहा हूँ। ये लगभग अपना उत्तरी अमेरिका, ये अपना दक्षिणी अमेरिका, लगभग ये विद्यार्थियों अपना आता है यूरोप, अपना ये यहाँ पर आ जाएगा एशिया, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप, ये अपना विद्यार्थियों लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका जो पूरी तरह से शून्य जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अपने पूरे भारत में सात महाद्वीप है, पूरे विश्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये महाद्वीप क्या होते हैं विद्यार्थियों, पहले हमें पृथ्वी ऐसे गोल थी और इस गोल में ये बीच में एक बहुत बड़ा सागर था जिसको नाम होते हैं पैथिस सागर, ये एक अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, दो जो गोल्फ का विषय है, ये दो पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े थे, लैंड थे, और ये बीच में एक सागर था। यहाँ पर जो भी नदियाँ बारिश हो गई, ये नदियों के कंकर पत्थ गए, और बीच में पैथिस सागर भरता गया, और जो पानी ऊपर आया, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में आधा ग्लास पानी, उसमें हम कंकर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा ना, ऐसे ही पैथिस सागर भरता गया और यहाँ से पानी आता गया, तो जो निचले हिस्सों में था जहाँ पर खड्डे थे वहाँ पर पानी भर गया, जो ऊपरे हिस्से बच गए वो हमें ये मिलते हैं। अब चारों तरफ हमारे पृथ्वी पानी पानी है, सिर्फ ये पृथ्वी टुकड़े हैं, अर्थात जिस क्षेत्र की तरफ चारों पानी पानी हो उसको बोलते हैं महाद्वीप। जैसे अपन गाँव के विद्यार्थी, कभी बरसात में नदियाँ नहीं आती तो नदियाँ यहाँ
एक पृथ्वी का एक बड़ा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी पानी को क्या कहते हैं, महाद्वीप। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सात महाद्वीप बने हुए थे। इन सात महाद्वीप में ही पड़ते हैं ये लगभग एशिया है, और एशिया में यहाँ पर लगभग अपना ये भारत है, लगभग भारत यहाँ पर है। इस भारत में क्या हुआ, ये यूरोप है और ये एशिया है, ये तो क्या है यूरोप और ये क्या है एशिया, और इसको बोलते हैं लगभग मध्य एशिया, अर्थात यूरोप और एशिया के बीच वाला क्षेत्र है मध्य एशिया। इसमें है जैसे कि ये मिस्र वाला इलाका, ये पूरा क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे द्वीप भी रहते हैं। तो इसमें है जो मिस्र है, टर्की है, ईरान, इराक, ये सारा क्षेत्र कहाँ पर आता है, इस क्षेत्र में आता है। और इसी मध्य एशिया में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक है मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। इस मोहम्मद साहब ने क्या किया कि मध्य, जैसे अपने भारत देश में प्राचीन भारत में पढ़ा था कि जैसे कि जैन धर्म हुआ, महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना किए हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना महावीर स्वामी, सॉरी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर स्वामी महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की है, वैदिक धर्म अपना था। सेम ऐसे ही मध्य एशिया में होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रथम इस्लाम धर्म का शुरुआत की और इसका प्रचार किया। इस्लाम धर्म का उदय हो गया मध्य एशिया में छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी सदी में अपने उदय हो गया। और जो ही छठी सदी में उदय होता है विद्यार्थियों, उदय होने के पश्चात में ये लोग निकलते हैं अपने धर्म का प्रसार करने के लिए। जैसे यूरोप में ईसा मसीह, ईसा की पहले में पहला ईसा में है ईसा मसीह हुआ, और पूरे विश्व में उन्होंने अपने ईसाई धर्म फैलाया। ऐसे ही इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, और ये लोग इस, हालांकि अरब लोग हैं पहले भारत में हैं जो समुद्री मार्गों से व्यापार करते थे, समुद्री मार्गों से व्यापार करते थे, लेकिन उसके बाद में है इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। और जो ही भारत की तरफ रुख करते हैं, ये करते इनका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने। तो पहला अपना क्वेश्चन बनता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, कि भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया है, तो क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के प्रचार के लिए किया। तो ये लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारतीय व्यवस्था को देखना, यहाँ की राजनीतिकता को देखना, वो फिर यहीं पर आक्रमण करते हैं, और यहीं से इस्लामी रूप से लोग धीरे धीरे बसने लगे। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है, 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है, और किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ईरान का एक गवर्नर है विद्यार्थियों हज्जाज, ईरान का एक गवर्नर है हज्जाज, और हवज का ये क्या था, दामाद कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दामाद हज्जाज भेजता है कि हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम वहां की तरफ जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो। जब मध्य एशिया में क्या इतनी संपन्नता नहीं थी, वो जब संपन्नता नहीं तो वहां पर एक तो भूमि उपजाऊ नहीं थी, अनुपजाऊ भूमि थी, तो ये लोग एक तो धन की लालसा थी, वो दूसरा अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम हजार से लोग लेकर जाता है भारत में, और जैसे ही भारत में जाता है विद्यार्थियों लगभग ये अपना भारत है, और भारत के यहीं पर पड़ता है एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है विद्यार्थियों सिंध, और सिंध का राजा होता है विद्यार्थियों दाहिर। तो इस हजार ने पहले 3 ऑपरेशन भेजे विद्यार्थियों, एक अच्छे आज कल अपने इंडियन आर्मी ऑपरेशन भेजती ना लगातार, कभी पाकिस्तान के खिलाफ भेजती है, कभी चाइना के खिलाफ भेजती है, ऐसे ही सिंध का राजा कौन था, दाहिर। और इस आजाद ने ईरान का गवर्नर रहे, ईरान का गवर्नर, ये ईरान का गवर्नर जाज है जो अपने मोहम्मद बिन कासिम को बाद में था, उससे पहले ये 3 ऑपरेशन भेजते हैं, यहाँ पर 3 बार सेनापति भेजा, 3 बार सेनापति भेजा। ईरान का ये गवर्नर है कौन, हज्जाज, हज्जाज ने भारत वर्ष को जीतने के लिए 3 सेनापति भेजे, लेकिन इस सिंधु वाले इलाके में राजा कौन है, राजा दाहिर है, और राजा दाहिर ने इसके 2 सेनापतियों को पहले मार गिरा है। उन सेनापतियों में है सबसे पहला है तो अबू देला, एक तो अबू देला है, एक है बुद्देला, एक तो है अबू देला और एक है बुद्देला। हजार ने भारत का भेजा, तो अबू देला को भेजा,
राजा ताहिर उसको मार गिराया, उसके बाद में बुद्देला को जीता और बुद्देला को भी मार गिराया, और तीसरी बार पे अपने दामन मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है और कासिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है, इसलिए भारत में अपने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है, राजा ताहिर को जीत लेता है। विद्यार्थी इतिहास में मैंने अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी क्लास में मैंने बताया था इतिहास को एक अति किंवदंती किंवदंती होती है लोक मानस में प्रचलित वो बातें जिनका कोई साक्ष्य नहीं होता वो तो क्या होती है किंवदंती, और इतिहास किसे कहते हैं जिनका साक्ष्य प्रमाण हो अर्थात वो चीज़ें इतिहास है। मेरा है मेरा नाम ताराचंद है, कैसे मान लो आप ताराचंद है क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है गवर्नमेंट का पासपोर्ट है पैन कार्ड है तो गवर्नमेंट अप्रूव है किसी व्यक्ति का नाम ताराचंद है ऐसे ही साक्ष्य मेरे पास है। तो किंवदंती है कि ये दोनों को मार गया है दूरा को, रात सिंध के राजा दाहिर ने जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उससे मोहम्मद बिन कासिम भी राजा सिंध को दाहिर को हरा नहीं पाया था, वो कई बार ऐसा कर रहा। अब ये कहते हैं कई दिनों तक ये लड़ता रहा मोहम्मद बिन कासिम लेकिन इसको सफलता आड़ नहीं मिल पाई, और जब सफलता नहीं मिल पाई तब ये सोचने लगा अगर मैं वापस ईरान की तरफ जाऊँगा तो अच्छा मुझे मार देगा और अगर यहाँ पर रहा तो राजा दाहिर मुझे मार देगा। इसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और इसने कहा कि इस राजा की कमजोरी क्या है, और उसने कमजोरी देखा कि जो सिंध का मुख्य मंदिर था राजा दाहिर का मुख्य मंदिर था उस राजा मुख्य मंदिर में जाता है और उस पुजारी के पास में चला जाता है, पुजारी को बोलता है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम हूँ और राजा सिंध को हराने के लिए काफ़ी बात करें लेकिन नहीं हार पाया, अगर आप मेरी मदद करो राजा दाहिर को हराने के लिए तो मैं सिंध को जीत कर आपको सिंध का राजा बना दूंगा। ब्राह्मण है जो लालच में आ गया उसने कहा कुछ इतनी सी बात हाँ इतनी सी बात अच्छा कि आज की बात भी आप जाओ युद्ध की तैयारी करो कल राजा दाहिर अपने आप के हथियार टेक देगा। पर सुबह राजा जब नहा धोकर सबसे पहले हम ईश्वर की पूजा उपासना करते युद्ध के लिए जा रहा था मंदिर में जाता माथा टेकने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए तो जो ही राजा दाहिर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो पंडित पुजारी पीछे हो जाता है कच्चे हे राजन क्या कर रहे हो, तो राजा दाहिर बोला कि क्या हुआ हे महात्मा क्या हुआ मैं तो पूजा अर्चना करूँ अच्छा आज आपके भगवान दुष्ट है। पुजारी ने रात में क्या किया जो मंदिर पर ध्वज था अपने मंदिरों के ऊपर ध्वज होता है उन ध्वजों को क्या कर दिया नीचा कर दिया उस वजह से खड़ा करा तो उसको टेढ़ा कर दिया कि आज तो आपके भगवान ही आपसे दुष्ट हो गए देखो देखो मंदिर का ध्वज है जो नीचा झुका हुआ है अर्थात आज आपकी युद्ध में पराजय होने वाली है। और वही राजा दाहिर का मनोबल टूट जाता है कि जब मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए वही मुझे हराने की सोच रहा है कैसे देखूंगा, राजा दाहिर का मनोबल टूट जाता है और आगे युद्ध होता है। इस मंदिर मोहम्मद बिन कासिम का जो राजा दाहिर को जीत लेता है और छोटे छोटे बच्चों को भालों की नोक पर ऐसे उछाला जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अरबों ने इन मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा वो की है छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को भालों के मुँह पर ऐसे उछाला जाता है मारा जाता है पूरे सिंध में हाहाकार मच जाता है और पूरे नगर को ध्वस्त करते हुए ये सिंध के अंदर बढ़ते हैं और सिंध के अंदर राजा दाहिर की दो कन्याएं थी सिंध के अंदर राजा दाहिर की दो कन्याएं थी सूर्य देवी और परमा देवी इन राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी सूर्य देवी व परमल देवी ये दोनों थी। इन दोनों को क्या करता कि गिरफ्तार कर लेता है राजा दाहिर युद्ध में मारा जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार करके सूर्य देवी और परमल देवी को और ईरान के हज्जाज के पास भी भेज देता है हज्जाज के पास में उनकी सेवा में भेज देता है जो और यहाँ पर सिंध राजा बनपत है। ये दोनों अभी सारी किंवदंतियां हैं तो कहते हैं कि जब सूर्यदेव परमदेव को यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो हजाज के सामने पेश करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं मैं भारत से दो अद्वितीय रत्न आपको भेज रहा हूँ और ये नहीं मुझे तक तो राजा हजाज जो गवर्नर था वो पहली बात होता है कि हिंदुस्तान में इतनी सुंदर लड़कियाँ रहती हैं तो उनको देख उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है लेकिन ये दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनकी दृढ़ निश्चय किया और एक शरीर का राजा सूर्यदेव और परमदेव ने इन्होंने हजाज के सामने पेश किया जो ही उनको पेश करते तो वो कहते हैं कि हे राजन हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप ये बताओ कि इराक के गवर्नर को झूठा खाने की आदत है क्या, तो ये हजाज गुस्से में क्या बोल रहे हो सुंदरियों अच्छा हाँ इन्होंने मोहम्मद बिन
काशी में हमें पहले ही भोग कर चुका था, हमारा पहले ही भोग कर चुका है और अब तो हम झूठन है और झूठन को आप किसी और भेजा है। इस पर यह आचार्य जी गुस्से में हो गए, उसने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को है जो गधों पर लाद के गधों पर खालों की सीट पर उसको लाद के लाओ। और जब वो लेके जाते हैं बार बार सिंध आते हैं सिंधु मोहम्मद बिन कासिम को घसीटते हुए लेके जाते हैं और जब देखते हैं कि हजाज ने है जो मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा दे दिया था उनको मार दिया। ये दोनों सूर्य देवी और परमा देवी हैं जो महल की ऊंची चोटी पे सबसे ऊंची बैठे हुए थे और वहीं से जैसे मोहम्मद बिन कासिम मरता वहीं से खुदगर भी जान देती है। इस तरह भारतीय नारियों ने अपने शत्रु की रक्षा की, अपने पुरुषों की रक्षा की और दुश्मनों के हाथ नाते अपने पिता का बदला लिया। इससे कोई किंवदंतियों में आता विद्यार्थी हो इनके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद में पर कहने का मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम है जो 1312 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर को जीत लेता है और जो भी राजा दाहिर को जीतता है इसके बाद में यह गद्दी पर बैठता और सिंध पर अधिकार कर लेता है। सिंध पर अधिकार करने के बाद विद्यार्थियों मोहम्मद बिन कासिम ने एक जगह और आक्रमण किया। सिंध पर अधिकार करने के बाद उसने सिंध पर अधिकार करने के बाद में इससे पहले वो गए तो 712 में युद्ध होता इस युद्ध का नाम हम ध्यानते हो रावण का युद्ध। ये कभी बात प्रश्नों में अलग अलग रावण का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के बीच। ये विद्यार्थी कई बार था रावण का युद्ध क्या है तो रावण का 712 मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हो जाता है जिसमें राजा दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। उससे पहले राजा दाहिर दो बार अब्दुल्ला बुदेला को इन युद्धों में हरा चुका था। ये तीसरा प्रयास होता है जिसका हजार जिसमें जीत मिलती है। इस रावण इसके बाद में इसकी रानी विधवा रानी थी रानी बाई राजा दाहिर की एक विधवा थी रानी बाई उसका नाम था। रानी बाई ने क्या किया दुर्ग की रक्षा की और दुर्ग की रक्षा करते हुए है जो जौहर किया दुर्ग की रक्षा करते हुए क्या किया जौहर किया। और इतिहास में पहली बार हमें जौहर मिलता है अर्थात जो राजस्थान में पद्मनी के है चित्तौड़ में किया है। उससे पहले 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर में होता था राजा दाहिर हार जाता उसके बाद में दुर्ग की रक्षा किसने की है उसकी रानी बाई ने और रानी बाई जब असमर्थ हो जाती है तो उसने क्या किया जोहर किया। और इतिहास में पहली बार हमें जोहर का उल्लेख मिलता है किसने रावण के युद्ध में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। तो ये था विद्यार्थियों अरबों का आक्रमण। इसके बाद में हजाज है जो हजाज का ये दामाद है। अब इसमें क्या होता है कि उल्लेमा इस युद्ध की और कुछ घटनाएं बताऊं जैसे रावण युद्ध की घटनाएं रावण युद्ध की घटनाएं कि इस रावण युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई थी क्या क्या घटना कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम था मोहम्मद बिन कासिम ये मोहम्मद बिन कासिम है जो हज्जाज का भतीजा भी था। हज्जाज का ईरान का गवर्नर हज्जाज का भतीजा है। सिंध पर आक्रमण किया और 713 ईस्वी
दो आक्रमण किए हैं किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर, 713 ईस्वी में मुल्तान पर। और मुल्तान जिसको इतनी ज्यादा धन संपदा मिली कि उसका नाम लिख दिया स्वर्ण नगरी, अर्थात मुल्तान में उसको इतना धन मिला कि उसका नाम लिख दिया स्वर्ण नगरी 713 ईस्वी में। इसके पास में है उसे 15,000 घोड़े थे, 3,000 ऊंट थे, क्या कि अरबी ऊंट ज्यादा चलते हैं, 3,000 ऊंट थे, एक तोपखाना था जो लगभग 5 पत्थरों के हिसाब से फेंक सकता था। इस सारे से इसमें युद्ध शामिल किया। उसके बाद में है भारतीय गद्दी पर बैठ गया मोहम्मद बिन अरबों ने, इसमें ये मुख्य चीज है, अरबों ने पहली बार भारत में खजूर की खेती प्रारंभ की, अर्थात जो अरब लोग हैं अरबों ने पहली बार भारत में खजूर की खेती प्रारंभ की। ये क्वेश्चन है कि खजूर की खेती की भारत में किसके देने किसी अरबों की, और अरबों ने भारत में ऊंट पालना सिखाया, भारत में ऊंट पालना सिखाया था। तो अरबों ने भारत में पहली बार ऊंट पालन करना सिखाया। ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद में कुछ और घटनाएं देखिए, अब भारत में शासक कौन बन गया? मोहम्मद बिन कासिम बन गया। इस मोहम्मद बिन कासिम जो कौन बनते हैं, जिसने पहली बार जजिया कर लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने पहली बार भारत में खजूर की प्रारंभ की, उनका पालन करना सिखाया, पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या था? होता है भारतीयों जानते जजिया कर था गैर हिंदुओं को लगा था। अब राजा कौन है? मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम है, तो वो कहते हैं 2 साल दे रखा है, या तो आप मुसलमान बन जाओ या फिर है अगर आप हिंदू हो तो हमें जजिया कर दो। तो जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो जजिया कर देते, अर्थात राजा मुसलमान है हिंदू प्रजा है तो हिंदू प्रजा अपने राजा को जजिया कर देगी। तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने का श्रेय किसी दालत है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ये कुछ इसकी घटनाएं हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था, राजा बन गया, राजा तो बन गया, लेकिन क्या है कि जनता क्या है, प्रजा क्या है, बहुसंख्यक हिंदू है और मुसलमान थोड़े से, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता की नीति का पालन किया, हिंदुओं के साथ सहिष्णुता की नीति का पालन किया। पहली बार जजिया का लगाया हिंदुओं ने, हिंदुओं के साथ में सहिष्णुता की नीति का पालन किया। सहिष्णुता अर्थात सद्भावना की नीति, ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ वहाँ पर अत्याचार हो गया नहीं, मुसलमान बहुत कम है ऊपर जगह है बहुत ज़्यादा हिंदू है, तो इसमें साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया। ये था अपना अरबों का आक्रमण, केवल इसको और व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए जाते हो। आज की अपनी क्लास यही है, पहली क्लास है। अगर विद्यार्थी कुछ कमी रही हो, आज मेरी पहली क्लास है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर।